थाना शाहगंज क्षेत्र में चाउमीन के पैसे मांगने पर रंगबाज युवकों ने ठेल वाले के साथ मारपीट ही नहीं की बल्कि पथराव और फायरिंग करते हुए भाग भी गए। घटना के बाद पीड़ित थाने पहुंचा लेकिन कार्रवाई करने के बजाय भगा दिया गया। अधिकारियों के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया है। थाना शाहगंज सिद्ध सहानी नगर में अंडे और चाउमीन के पैसे मांगने पर रंगबाजों ने ठेल वालों के साथ मारपीट की। इसके बाद पथराव और फायरिंग करते हुए भाग गए। गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के लोग दहशत में आ गए। सिद्ध सहानी नगर का रहने वाला लाल सिंह घर के पास ही अंडे और चाउमीन की ठेल लगाता है। पास के ही रहने वाले नामजद रंगबाज युवक चाउमीन और अंडे खाने आते हैं। पैसे मांगने पर झगड़ा करने पर उतारू हो जाते हैं। रात को आधा दर्जन से अधिक युवकों ने पैसे मांगने पर फायरिंग कर दी। बहुत वो वही मेरे को फिर जो सारे लोग भाग गए, पब्लिक ने देखा फायरिंग हो रही है तो इन्होंने तभी से मुझे मारा, मैं बेहोश हो गया। कुछ लोग मुझे लेके नहीं गए थाने, कोई सुनवाई नहीं हुई है। सीओ साहब से शिकायत की है, एसएसपी साहब के पास गए थे और हमारे आगे चार लोग पकड़ लिए गए हैं और वो लोग पकड़े गए थे, वो लोग छोड़ दिए गए हैं। हाँ, विक्रम था, अर्जुन था, ये एसटी सीटर है, ये अभी जेल काट के आया, ये लूट की थी इन्होंने, जाना 1 करोड़ रुपया कितने की थी, तो अभी वहाँ से आया था। और इनका काम टोटल यही है, मारो पीटो पैसे चलाओ, चौथ वसूली करते हैं। सिद्ध सहानी नगर में पथराव और फायरिंग में लोगों में भगदड़ मच गई थी। सूचना पर पुलिस पहुंची, तब तक रंगबाज भाग गए थे। फायरिंग का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें गोलियों की आवाज साफ सुनाई दे रही है और युवक भी तमंचे से फायर करता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर भी शाहगंज पुलिस ने कार्यवाही करने की जरूरत नहीं समझी और पीड़ित पक्ष के लोगों को थाने में बंद कर दिया। शाहगंज थाने में सुनवाई न होने पर महिला पुरुषों की भीड़ सीओ लोहामंडी गिरीश कुमार सिंह के पास शिकायत करने पहुंच गई। सीओ के आदेश पर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। उसके संबंध में थाना शाहगंज पर तहरीर प्राप्त हो गई है। तहरीर प्राप्त होते ही उसमें तत्काल अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और जो भी साक्ष्य मिलेंगे उसके आधार पर योजनात्मक कार्रवाई संपादित की जाएगी। ठेल वाले लाल सिंह का कहना है कि युवकों का क्षेत्र में आतंक है, आए दिन मुफ्त में सामान खाते रहते हैं, पैसे मांगने पर मारपीट कर देते हैं। लाल सिंह के साथ भी पहले मारपीट की, फिर पथराव और फायरिंग की गई। लाल सिंह के शरीर पर चोट के निशान दिखाई दे रहे हैं। सी न्यूज़ के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट।